महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले सियासी भागदौड़ तेज हो गई है। बीजेपी के दावे और शिवसेना का वादा खिलाफी का उलाहना जारी है। इसी बीच नितिन गडकरी के मुख्यमंत्री बनने की खबरों को उन्होंने खुद खारिज किया। बोले कि मैं तो महाराष्ट्र नहीं लौट रहा, मैं दिल्ली में ही खुश हूँ। महाराष्ट्र में सरकार गठन के सवाल पर बोले, जल्दी ही फैसला होगा और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। संघ के पूरे मामले में दखल पर गडकरी बोले कि महाराष्ट्र की राजनीति में संघ प्रमुख मोहन भागवत का कोई रोल नहीं है। नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा कि हम शिवसेना से बात कर रहे हैं और हम उनका समर्थन हासिल कर लेंगे। कल कांग्रेस नेता अहमद पटेल दिल्ली में नितिन गडकरी से उनके घर मिले थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनघंटीवार जल्दी ही अच्छी खबर मिलने की बात कह रहे हैं। इसी बीच अच्छी खबर की आस में रूठी शिवसेना को मनाने बीजेपी के नेता मातोश्री की तरफ कूच कर गए, जहां वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मनाएंगे। इस तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर म्यूजिकल चेयर जैसा माहौल है। कभी आदित्य ठाकरे के नाम के पोस्टर लग जाते हैं तो कभी पवार का नाम, तो अब नितिन गडकरी का नाम सामने आया है। लेकिन उधर शरद पवार के गच्चे से घायल शिवसेना लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। संजय राउत बयानबाजी नहीं करता, ये आपका शब्द गलत है। संजय राउत ने कभी बयानबाजी नहीं की। संजय राउत पार्टी चीफ, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की भूमिका आपके सामने आकर बता देते हैं, वो भी आप पूछते हैं। संजय राउत पार्टी की भूमिका लेकर सामने आते, बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, संजय राउत का कोई आशा आकांक्षा हमेशा कभी ना मंत्री बनने की रही ना मुख्यमंत्री बनने की रही। मैं मेरे पार्टी के लिए काम करता हूँ, मैं मेरे पार्टी प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी के लिए काम करता हूँ, मैं महाराष्ट्र के लिए काम करता हूँ। सर, अगर आज बीजेपी दावा पेश करती है तो शिवसेना का अगला कदम क्या होगा? मेरा कदम कुछ नहीं है, हमारा कदम कुछ नहीं है। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे। बहुमत दिखाना जरूरी है राज्यपाल को। अगर राज्यपाल के पास आप बहुमत नहीं दिखा सकते तो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत सिद्ध करने के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा ना, बहुमत सिद्ध करने के लिए। ये अग्नि परीक्षा है, तो हमारी शुभकामना है कि आप ये अग्नि परीक्षा पार कर ले और महाराष्ट्र की स्थिर सरकार। इस सियासी भागदौड़ के बीच बीजेपी शिवसेना की 50-50 वाली खिचड़ी ठंडी हो तो बात आगे बढ़े।